फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या। तो केसी सिन्हा के एक्सरसाइज 19.2 के सॉल्यूशन में आज जानने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर आगे तक। बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो देखिए इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपने एक टेंथ क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी को आप लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, क्योंकि थीटा का वैल्यू होता है 180 डिग्री, 180 बटा दो क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो उसी तरह से इसको लिख लेना है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस पाई बाई टू, और थीटा क्या है मेरा 2x है, तो ये लिख लिया हमने, और dx, ठीक है। तो ये क्या हो गया इंटीग्रल, तो ये है रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, ठीक है। जब यहाँ दो गुना है तो यहाँ क्या होगा आधा होगा, अगर यहाँ आधा होगा तो यहाँ दो गुना होगा। तो देख लीजिए ये क्या है 1 माइनस कॉस, और इस पूरे को थीटा मान लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस, इसको 2 थीटा मानिए, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा नीचे में 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा, मतलब इस एंगल का आधा होगा। तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, और इसका आधा कितना हो जाएगा पाई बाई 2 का आधा कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा, और माइनस 2x बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आधा करने पर, इसका इंटीग्रल x के सापेक्ष। तो देखिए अब ये क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4, और माइनस यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा क्या x, इसका इंटीग्रल x के सापेक्ष। 2 साइन स्क्वायर कितना है पाई बाई 4 माइनस x, इसका इंटीग्रल देखते हैं। इसमें से क्या है 2 कॉन्स्टेंट है तो हम बाहर ले लेते हैं रूट 2, और साइन स्क्वायर है तो ये 1 हो जाएगा, स्क्वायर है रूट में से निकलेगा स्क्वायर, तो सिर्फ साइन बचेगा पाई बाई 4 माइनस x, इसका इंटीग्रल x के सापेक्ष। रूट 2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर में ले लीजिए इंटीग्रल के, और सिर्फ इंटीग्रल हमको कितना का निकालना है साइन पाई बाई 4 माइनस x का, किसके सापेक्ष x के सापेक्ष। साइन का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस होता है, तो रूट 2 हमारा कॉन्स्टेंट है तो रूट 2 को रहने दीजिए, साइन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा माइनस कॉस, ठीक है। और जो एंगल है हमारा वो लिख लीजिए पाई बाई 4 माइनस एक्स, लेकिन हमारा x का गुणा क्या है माइनस में है तो माइनस 1 है, तो माइनस 1 से भाग दे देंगे और कोई कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया रूट 2, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे आपस में, क्या बच गया कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस सी। लेकिन कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, मतलब कॉस का जो है ना एंगल माइनस में रहे तो वो कॉस का अब एंगल प्लस वाला के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो सकता है रूट 2 कॉस x माइनस पाई बाई 4 प्लस सी, अगर इसमें हम माइनस देते हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो यही रहा हमारा आंसर। तो दोस्तों आइए देखते हैं अब 18 नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही प्यारे तरीके से। दोस्तों आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्वेश्चन नंबर 18 भी जस्ट उसी के जैसा देखने में लग रहा है, तो उसका भी सॉल्यूशन कुछ उसी टाइप से होगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखें किस तरह से होगा 18 नंबर क्वेश्चन का, क्या कह रहा है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 डी एक्स, इसको भी क्या करेंगे कॉस के पद में पहले चेंज कर लेते हैं, 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं कोई दिक्कत तो नहीं, इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a, सॉरी 1 प्लस कॉस 2a, ये किसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है, यहाँ a है तो यहाँ क्या हो जाएगा उसका दोगुना 2a हो जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ 2a है तो यहाँ लिखेंगे अगर 2 कॉस स्क्वायर a तो मतलब इसका आधा लिखना होगा, तो ये हो जाएगा कितना रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर ए का, मतलब क्या इसका इस एंगल का आधा, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 4, इसका इंटीग्रल x के सापेक्ष। तो आइए यहाँ भी हमारा रूट 2 कॉन्स्टेंट है तो रूट 2 को बाहर में ले लीजिए, इंटीग्रल कितने का निकालना है सिर्फ कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 4, डायरेक्ट ही कर दिए कॉस स्क्वायर, रूट अंडर कॉस स्क्वायर लिखते तो उसको क्या करते हैं रूट को हटाते हैं तो यहाँ से स्क्वायर भी। हमने बताया कि कॉस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा के बराबर होता है, कॉस माइनस थीटा के बराबर होता है, तो बस वही कर देना है रूट टू इंटीग्रल क्या हो जाएगा कॉस, अगर माइनस थीटा करते हैं तो एक्स बाई 4 प्लस में आ जाएगा और पाई बाई 4 माइनस में चला जाएगा, इंटीग्रल किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष। तो आइए अब इसका इंटीग्रल कर देते हैं, रूट और कॉस का इंटीग्रल क्या हो जाएगा साइन,
और क्या हो जाएगा x बाय फोर माइनस पाई बाय फोर, लेकिन x का गुणांक यहाँ हमारा कितना है एक बट्टा चार है, x में कितना से गुना हुआ है एक बट्टा चार से, तो एक बट्टा चार से भाग दे देंगे, कोई कांस्टेंट ले लेते हैं साथ में। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, एक बट्टा चार नीचे में ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो चार से गुना हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा चार रूट टू हो जाएगा, बाकी जो है सो लिख दीजिए साइन पाई सॉरी एक्स बाय फोर माइनस पाई बाय फोर प्लस सी, तो यही हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। दोस्तों ये रहा हमारा सॉल्यूशन, नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, चलते हैं फिर 19 नंबर क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन बहुत ही प्यारे तरीके से। इसमें क्वेश्चन में हमारा क्या है रूट अंडर वन प्लस साइन के एक्स, इसका इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष निकालना है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इंटीग्रल ऑफ से पहले लिख लीजिए रूट अंडर वन प्लस साइन के एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाय टू माइनस के एक्स, ऐसे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो लिख लिए इसको। फिर आइए देखते हैं वन प्लस कॉस टू थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है वन प्लस कॉस टू थीटा, ठीक है। तो यहाँ हमारा मान लीजिए इसको टू टू थीटा है, तो इसको क्या करेंगे आधा कर लेंगे, तो रूट अंडर टू कॉस स्क्वायर इसका आधा करेंगे क्या हो जाएगा पाई बाय फोर हो जाएगा माइनस के एक्स बाय टू हो जाएगा, इसका इंटीग्रल किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष। तो आइए रूट टू को कर लिया बाहर हमने, इंटीग्रल निकालना है सिर्फ कॉस का पाई बाय फोर माइनस के एक्स बाय टू का, इसका इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष। तो हमने यहाँ क्या बताया कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ वही बात कर देंगे फिर रूट टू इंटू कॉस, एंगल को क्या करेंगे एंगल के चिन्ह को बदल देंगे, मतलब के एक्स बाई टू माइनस पाई बाय फोर, इसका इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष। तो आइए देखें इसके बाद क्या होता है रूट टू, कॉस का इंटीग्रल क्या हो जाएगा साइन, एंगल जो है वो लिख लीजिए के एक्स बट्टा टू माइनस पाई बाय फोर, लेकिन हमारा एक्स का गुणांक क्या है यहाँ के बट्टा टू है, तो के बट्टा टू से भाग दे देंगे, लास्ट में कोई कांस्टेंट हम जोड़ लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बाद इसका सॉल्यूशन, के बाई टू नीचे में है इसको ऊपर ले जाएंगे तो टू बाई के हो जाएगा पलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा रूट टू गुने टू बाई के हो जाएगा, और उसके बाद जो है सो लिख देना है साइन क्या है के एक्स बाई टू माइनस पाई बाई फोर प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा टू रूट टू बट्टा के साइन के एक्स बट्टा टू माइनस पाई बाय फोर प्लस सी, तो यही रहा मेरा आंसर। तो दोस्तों आइए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 20 को। तो दोस्तों आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पे, इसमें क्या कह रहा है टू बट टू बाई वन माइनस साइन टू एक्स, इसका इंटीग्रल निकालना है एक्स के सापेक्ष, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखिए किस टाइप से करते हैं, इसका इंटीग्रल जैसे टू बाई वन माइनस साइन टू एक्स को क्या लिख सकते हैं कॉस पाई बाय टू माइनस टू एक्स, ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत, इसका इंटीग्रल क्या एक्स के सापेक्ष। वन माइनस कॉस टू थीटा जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है टू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा जो एंगल है इसका आधा लेंगे यहाँ पे, तो आइए देखते हैं बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, वन माइनस कॉस टू थीटा इसको मान लीजिए तो ये क्या हो जाएगा टू साइन स्क्वायर और इसका आधा हो जाएगा मतलब पाई बाय फोर माइनस टू एक्स बाय टू, इंटीग्रल किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष। तो आइए इसको करते हैं, क्या ये दो से दो मेरा हो जाएगा कैंसिल और ये साइन स्क्वायर बच गया सिर्फ, मतलब वन बट्टा क्या बच गया साइन स्क्वायर पाई बाय फोर माइनस टू एक्स बाय टू, इंटीग्रल किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष, यहाँ से मेरा दो दो कैंसिल हो जाएगा, इस साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है कॉसेक स्क्वायर पाई बाय फोर, और ये टू से टू मेरा कैंसिल हो गया बच गया सिर्फ एक्स, इसका इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रल कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉट होता है, और जो एंगल है वो लिख लीजिए पाई बाय फोर माइनस एक्स है, और भाग एक्स का गुणांक हमारा क्या है माइनस वन है, तो माइनस वन से भाग दे देंगे कोई कॉन्स्टेंट ले लेंगे, इसको सॉल्व कीजिए माइनस माइनस हो गया मेरा कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या हो गया कॉट पाई बाय फोर माइनस एक्स प्लस सी, यही रहा हमारा प्यारा सा आंसर। तो आइए देखते हैं दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का सेकंड, तो दोस्तों आइए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के सेकंड का सॉल्यूशन, बहुत ही प्यारा सा सॉल्यूशन होने वाला है। इसका क्या है वन बाय वन माइनस साइन थ्री एक्स, इसका इंटीग्रल निकालना है एक्स के सापेक्ष, आइए बहुत ही प्यारा सा इसका सॉल्यूशन होगा, इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा एक बट्टा वन माइनस साइन थ्री एक्स को हम क्या लिख सकते हैं कॉस पाई बाय टू माइनस थ्री एक्स लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रल किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ क्या करेंगे वन माइनस कॉस
टू थीटा क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो नीचे में क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर, मतलब यहाँ टू थीटा है तो यहाँ क्या होगा, थीटा होगा, मतलब इसका आधा होगा। तो इसका आधा क्या हो जाएगा, पाई बाय फोर माइनस थ्री एक्स बाय टू। इस दोनों में क्या करेंगे, दो से भाग देंगे इसका इंटीग्रल x के सापेक्ष। अब देख लीजिए इसमें से क्या है, वन बाय टू मेरा कॉन्स्टेंट है और बच गया क्या, एक बट्टा साइन स्क्वायर पाई बाय फोर माइनस थ्री एक्स बाई टू, इसका इंटीग्रल x के सापेक्ष। इस साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर पाई बाय फोर माइनस थ्री एक्स बाय टू, इंटीग्रल x के सापेक्ष। अब कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉट होता है, तो एक बट्टा दो और माइनस कॉट हो जाएगा माइनस कॉट, एंगल जो है सो लिख लीजिए पाई बाय फोर माइनस थ्री एक्स बाई टू, और x का गुणांक हमारा कितना है, माइनस थ्री बाई टू, तो माइनस थ्री बाई टू से भाग दे दिए, लास्ट में कोई कांस्टेंट जोड़ लिया। तो आइए देखते हैं इसके बाद सोल्यूशन, एक बट्टा दो है तो एक बट्टा दो रहने दे, तीन माइनस तीन बट्टा दो ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस दो बट्टा तीन, और गुना किससे होगा, माइनस कॉट पाई बाय फोर माइनस थ्री एक्स बाई टू, पाई बाय फोर माइनस थ्री एक्स बाय टू प्लस सी। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, मेरा दो से दो कैंसिल हो रहा है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब ये आंसर हो गया हमारा वन बाई थ्री कॉट पाई बाय फोर माइनस थ्री एक्स बाय टू प्लस सी, तो यही रहा हमारा आंसर। दोस्तों आइए देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों ये रहा हमारा 21 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या है, इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रल निकालना है x के सापेक्ष। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा इसका सॉल्यूशन, देखते हैं आते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला जैसे एक पढ़ा आपने टू साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े, 1 माइनस कॉस टू थीटा पढ़े, और टू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े, 1 प्लस कॉस टू थीटा पढ़े, ठीक है। तो ये क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा, मान लीजिए 1 माइनस कॉस टू थीटा इसको मान लीजिए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इस एंगल का आधा, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा टू साइन स्क्वायर, इस एंगल का आधा क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू, और नीचे में क्या है, वन प्लस कॉस टू थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर, और इस एंगल का आधा एक्स बाय टू, इंटीग्रल किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, यहाँ से दो और दो कैंसिल हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष, ठीक है। तो दोस्तों टेन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं ऐसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, इसका इंटीग्रल किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, आप कर लीजिए सेपरेट, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष, माइनस वन का इंटीग्रल किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाता है, टेन हो जाता है, टेन एक्स बाय टू, लेकिन एक्स का गुणांक हमारा क्या है, वन बाय टू है, तो वन बाय टू से भाग भी देंगे, माइनस क्या हो जाएगा, वन का इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष एक्स हो जाएगा, प्लस सी। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या हो रहा है हमारा, वन बाय टू ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा टू, इसका हो जाएगा टू टेन एक्स बाय टू माइनस एक्स प्लस सी। तो यही रहा मेरा 21 के फर्स्ट का सोल्यूशन। और जो है इस क्वेश्चन के सोल्यूशन आंसर में जो बुक में दिया हुआ है केसी से नाम, ये माइनस नहीं दिया हुआ, तो मिस प्रिंट है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, उसको सही कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा 21 नंबर क्वेश्चन का सेकंड, इसमें कहता है कॉस एक्स बट्टा वन प्लस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष। आइए कुछ अलग तरीके से इसका करते हैं, इंटीग्रल निकालते हैं। इसमें करेंगे क्या, एक बार हम एक जोड़ देते हैं और एक बार एक घटा देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम, एक से एक मेरा कैंसिल हो रहा है, फिर आ रहा है मेरा कॉस एक्स, ठीक है। तो नीचे में वन प्लस कॉस एक्स ऐसे लिख लिए, इंटीग्रल किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। अब क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, एक बार कर लेते हैं वन माइनस कॉस एक्स बट्टा वन प्लस कॉस एक्स, सॉरी ऊपर में भी वन प्लस कॉस एक्स ही है, और माइनस एक बट्टा वन प्लस कॉस एक्स, ऐसे तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो देखिए इसके बाद ये हो रहा है हमारा कैंसिल, तो इंटीग्रल किसका बच रहा है, सिर्फ एक का बच रहा है, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, तो एक को नहीं लिखा जाता, माइनस इंटीग्रल किसका बच रहा है, वन बाय वन प्लस कॉस एक्स का बच रहा है, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो इंटीग्रल ऑफ एक्स का मतलब वन का इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष रहने देते हैं, नीचे में जो है वन प्लस कॉस एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं, इंटीग्रल किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो देखिए यहाँ वन का इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष क्या हो जाता है, एक्स ही होता है, और ये जो है ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वन बाई टू, नीचे में रहने दीजिए, कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल लिए, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, इसका इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष। तो ये हमारा एक्स निकल गया, तो x रहने दीजिए माइनस माइनस वन बाई टू, ये क्या है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रल, टेन
एक्स बाई टू, लेकिन x का गुणांक हमारा क्या है, एक बट्टा दो है, तो एक बट्टा दो से भाग दे देंगे प्लस c, तो ये क्या हुआ हमारा x माइनस वन बाई टू, और ये नीचे वाला वन बाई टू ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, पलट जाएगा और ये हो जाएगा tan x बाई टू प्लस c। यहाँ दो से दो मेरा हो रहा है कैंसिल, तो बच गया क्या सिर्फ x माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस सी। तो यही रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 21 के सेकंड का सॉल्यूशन। तो दोस्तों आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आगे के सॉल्यूशन के साथ। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट में, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आप व्हाट्सएप तो यूज़ करते होंगे तो अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप के जरिए ही शेयर करिए। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, थैंक यू।